तो गुजरात के चुनावी मैदान में आपने बयानों का रंग देखा, लेकिन गुजरात के चुनावी मैदान से राजकोट पूर्व से कांग्रेस के उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु का एक बयान इन दिनों खासा विवाद खड़ा कर रहा है। इंद्रनील राजगुरु ने कहा था कि अल्लाह और महादेव में कोई भेद नहीं है, सोमनाथ में अल्लाह और अजमेर में महादेव है। अब इंद्रनील के इस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर बरस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तुष्टिकरण में लगी हुई है। तो कांग्रेस ने राजकोट पूर्व से उम्मीदवार बनाया इंद्रनील राजगुरु को, और उन्होंने तथाकथित तौर पर सर्वधर्म समभाव के लिए जो बयान दिया उस पर अब बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस पर हमलावर है, और कांग्रेस पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह तुष्टिकरण की राजनीति है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी और तुष्टिकरण हमेशा ही एक साथ दौड़ते रहे। ये जो इनकी दौड़ होती है ना चुनाव के समय, ये हमेशा तुष्टिकरण के साथ ही होती है। इस प्रकार के बयान कांग्रेस पार्टी सदैव ही देती रही है, और कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण को लेकर कांग्रेस का क्या हाल हुआ है ये आज हम देख रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ। कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।